इतनी मुश्किल से तुम्हें एक लड़की पसंद आई और वो भी इंगेज निकली। नायल नाम बताया था ना उसने। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। लड़कियों की ना सिक्स सेंस इस मामले में बड़ी तेज होती है। वो झूठ नहीं बोलती। तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो? उससे ज्यादा उसकी आंखें बोलती हैं। जब तुम उसे प्रपोज करोगे, तुम्हारी बात कुछ आगे बढ़ेगी, तो हो सकता है वो इस बारे में सोचना शुरू कर दे। उसका सोचना भाड़ में डालो, पहले तुम ये बताओ कि तुम सोच समझ के बोलना कब शुरू करोगे। कुदरत का इनाम है मोहब्बत, जब चाहे जिसके दिल में चाहे। देखो आर्यन, ये जो साइन है ना, मेरा भाई है, लेकिन मेरी बात नहीं तुम्हारी बात ज्यादा सुनता है। सोफिया, जो काम की बात तुमने करनी है आर्यन से कर लो, वरना ये भाग जाएगा। तुम तो चुप करो ना आर्यन। तुम्हारी जिंदगी में ना कोई भी लड़की हुई, मुझे बता, मैं जाके उससे बात करूंगी, मैं उसे कन्विंस करूंगी। बल्कि उसको कन्विंस करने की जरूरत ही क्या है, वो पागल ही होगी कि अगर तुम्हारा रिश्ता जाएगा तो वो इनकार करेगी। यार, अगर कोई लड़की होगी ना तो सबसे पहले तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है? बात कहां तक पहुंची, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ेगी बात पप्पू, एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। आता है तो करती हूँ मैं भी तरीके से उससे बात। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उसे कहीं बाहर ले जाओ, अकेले में बैठ के बात करो? अकेला होता कब है वो, हर वक्त तो साइम उसके साथ होता है। तुमने रोहेल के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? मेरे पीछे पड़े हुए वो लोग कि मैं किसी तरह से हाँ कर दूँ, सुबह शाम उनके फोन आ रहे हैं। मुझे नहीं करनी वहाँ शादी, मना कर दे उन्हें। उससे शादी नहीं करोगी तो फिर किससे शादी करोगी? आर्यन, ये बात सुनते सुनते 2 साल हो गए हैं, और आर्यन ने रिश्ते की बात करना तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर दिलचस्पी तक जाहिर करने की कोशिश नहीं की, और तुम हो कि बिला वजह उसके पीछे भाग रही हो, वक्त जाया कर रही हो। तुम अपना, आलिया ने ही तुम्हारा दिमाग खराब किया है। मैंने उसे भी फोन करके खूब उसकी खबर ली है। तुम भी अपने दिल से आर्यन का ख्याल निकाल दो। हुमैरा का फोन आया था, वो बता रही थी मुझे फारिया का कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आया है, लेकिन वो मान नहीं रही, बहुत नाराज हो रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा लड़का है, she has no reason to refuse. ऐसा नहीं हो सकता, कोई रीजन तो होगी ना मना करने के लिए। आप बात करें उससे। मुझे कहाँ बताती है वो कुछ भी। तुम करो ना उससे बात, तुम्हारी बात सुनती है वो, बहुत वैल्यू करती है तुम्हारी बात को। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम्हारे कोई प्रपोजल? हाँ, रोहिल नाम है उस लड़के का। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिससे मेरी शादी हो वो सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड हो, जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, बिल्कुल वैसे। और रोहिल से मिलके मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा दैट ही कैन बी सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड। वाओ, वेरी इम्प्रेसिव। शायद मुझे मोहब्बत हो गई हो तुम उसे। He must be kidding, right? मजाक कर रही हो ना? फारिया। डरा दिया तुमने मुझे यार। और मैं डर गई थी तुम्हारी ज़ॉम्बी जैसी शक्ल देख के। हमें ना किसी दोस्त से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इनसाइड आउट जानते हैं। I don't know, maybe. मुझे लगता है कि मुझे रोहिल से शादी कर लेनी चाहिए। फारिया, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, बस। मैं रोहिल के साथ खुश नहीं रहूंगी। ठीक है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। तुम अपने फैसले कर सकती हो अपनी मर्जी से, लेकिन तुमने अभी तक मुझे रोहिल को मना करने की कोई ऐसी लॉजिकल रीजन नहीं दी है, बाय द वे। क्योंकि तुम दिल की बातें दिमाग से सोच रहे हो। दिल का क्या करें, बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।